अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं, काले हो रहे हैं लोग, स्किन के कैंसर्स होने के चांसेस हैं और फ्रैकल्स आएंगी, रिंकल्स बढ़ने के चांसेस हैं, बड़े मसले होने के चांसेस हैं। भाई ये सिर्फ गर्मियाँ ही कसूरवार नहीं है, इसमें सर्दियाँ भी हैं। ठीक है, आज की जो मेरी वीडियो है वो इन सब चीज़ों से आपको बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है जनाब सन ब्लॉक्स के बारे में। यस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो है सन ब्लॉक। आई होप सबके लिए होगा, सभी यूज़ करते होंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे होंगे लोग के जो नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद वो लाजमी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, टैं टैं नहीं करते ज़्यादा, और बताते हैं कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को तो कॉन्सेप्ट होगा कि सन ब्लॉक क्या होता है, लेकिन उनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, PA++, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, SPF का क्या मतलब होता है, सनस्क्रीन सन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। तो उन सब का जिनको आइडिया नहीं है ना आपको, वो मैं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी, मैं हूं ना। मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन क्यों यूज़ किए जाते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सन ब्लॉक हो, सनस्क्रीन हो, ये जनाब यूज़ किए जाते हैं सूरज भाईजान जो हैं, मामू होते हैं आई गेस, चंदा मामू नहीं, अंकल थे क्या थे, चांद मामू हो गए, सूरज शायद चाचू थे इसी तरह का कुछ था, पता नहीं क्या था। अच्छा, जो सूरज है ना जनाब, इसके अंदर से रेज निकलती हैं, UVA, UVB रेज और UVC भी है। यस, UVC भी है। कुछ रेज मिलती हैं, निकलती हैं, नॉट मिलती हैं, कुछ रेज निकलती हैं और वो निकल के आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। ठीक है, उन स्किन जो भी यूवी रेज हैं उनसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं और सन ब्लॉक लगाते हैं। अभी मार्केट में सन ब्लॉक भी है और सनस्क्रीन भी है। ठीक है, और काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनस्क्रीन एंड सन ब्लॉक, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। अच्छा जी, सन ब्लॉक क्या होता है? देखें, सन ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है, देखिए दोनों का काम जो है वो स्किन को आपकी प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज ऑफ द सन। ठीक है, अभी सन ब्लॉक क्या है, ये कैसे काम करता है और सनस्क्रीन है ये कैसे काम करता है। सन ब्लॉक एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है, ठीक है, थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है, ओके। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, मैं आपको वो बता दूं कि जो सन ब्लॉक होता है ये एक लिटरली एक फिजिकल शील्ड, एक बैरियर जो है वो बना देता है आपकी स्किन और सन रेज के दरमियान। ठीक है, ये स्किन है, ये सन रेज है और ये सेंटर में जनाब यहाँ पे आके आपने सन ब्लॉक लगा दिया। अब क्या होगा, सनस्क्रीन जो है, सॉरी, ये जो है रेज जो है वो आएंगी इसके साथ टकराएंगी, ये टकरा के वापस चली जाएंगी, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। ठीक है, बीच में इसने सन ब्लॉक ने क्या काम किया है, सन ब्लॉक ने बैरियर का काम किया, एक शील्ड का काम किया है। ठीक है, अब आ जाती है बात सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन जनाब एक केमिकल बेस्ड है, ये इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो UVA हो, UVB हो, कुछ भी कोई भी रेज हो, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लगाते तो आप ऑब्वियसली वो भी स्किन के ऊपर हो, ठीक है, वो होता क्या है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं, जो भी UVA UVB रेज आती हैं वो केमिकल्स जो उसके अंदर हैं वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं, इससे पहले कि वो केमिकल्स जाके आपकी स्किन के साथ इंट्रैक्शन हो उनका, उस जाके आपकी स्किन को जो भी हार्मफुल उनके इफेक्ट्स हैं वो आपको दें। वो सबसे पहले क्या करते हैं, सनस्क्रीन जो है उसको, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ आ गई? ये है इनका बेसिक, सनस्क्रीन का और सन ब्लॉक का, दोनों प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पर हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं जनाब, SPF है और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी भी होती हैं। अच्छा, गर्मियों में कुछ इस तरह के होते हैं सन ब्लॉक, जैसे गर्मियाँ होती है ना तो वो क्या होता है कि सर्दियों में तो कोई भी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में स्पेशली आप जब भी सन ब्लॉक लगा के जाते हो, समटाइम्स क्या होता है कि आप बाहर जाते कहते हैं स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है उसकी वजह से और बहुत पसीना आना शुरू होता है, तो अपना सन ब्लॉक जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लें आप। ठीक है, आप मार्केट में बहुत अच्छे सन ब्लॉक आ गए हैं जो कि वाटर रेसिस्टेंट हैं, लाइट वेट हैं, नॉन स्टिकी हैं, हाइपोलर्जेनिक हैं और पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे सन ब्लॉक होते हैं, सनस्क्रीन, आप मैं दोनों को इकट्ठा करके बता दूं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों के ऊपर, जो मैंने SPF आपके साथ डिस्कस करना है, जो PAA या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें दोनों के अंदर सेम होंगे। कुछ ऐसे होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है SPF, SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, कि इसके अंदर
कितना सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। अब एसपीएफ का क्या मतलब है कि जितना ये हाईएस्ट होगा उतना ही आपको ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। फॉर एग्जाम्पल आप एक ले लो जो सनब्लॉक, उसके ऊपर लिखा हुआ है एसपीएफ 30। मेरे पास अभी 30 वाला कोई भी नहीं है, एसपीएफ 30 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब है कि वो जो सनब्लॉक है वो 30 टाइम्स लॉन्गर आपको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट यूवी बी रेज, ठीक है, अगेंस्ट यूवी बी रेज। अगर उसमें 40 है तो इट मीन्स 40 टाइम्स, 50 है तो 50 टाइम्स, 80 है तो 80 टाइम्स। अब आपको खुद ही आइडिया होगा कि जितना ब्रॉड, जितना ज़्यादा एसपीएफ का नंबर होगा 80, 90, 100, उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन उसके अगेंस्ट मिलेगी, किसके अगेंस्ट, यूवीबी के अगेंस्ट। अब यूवीए, यूवीबी ये भी कुछ है बीच में, बलाएं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि टर्मिनोलॉजी एक और पर यूज़ होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अलावा लिखा होता है पी ए प्लस प्लस प्लस, ठीक है। किसी के ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, किसी के ऊपर पी ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ सनब्लॉक के ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होगा तो कुछ सनब्लॉक के ऊपर पी ए प्लस प्लस लिखा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम चीजें हैं। एसपीएफ किसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, यूवी बी रेज के अगेंस्ट। एसपीएफ यूवी बी रेज के अगेंस्ट करता है, इसके अलावा भी एक्सल मिक्स करिए ना, आप लोगों को ज्यादा ज्यादा गलत बता दूं। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जो पी ए प्लस प्लस है ये जो है ये यूवी ए रेज के अगेंस्ट आपको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी ए और यूवी बी रेज कौन सी होती हैं? यूवी ए रेज वो होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी स्किन को एजिंग, रिंकल्स और स्किन कैंसर के, ठीक है। आपकी स्किन को बहुत जल्दी से रिंकल्स आपकी स्किन के ऊपर लेके आएगी, स्किन कैंसर का कॉज बनेगी, जो कि यूवी ए रेज है। इसके अलावा यूवी बी रेज क्या है? यूवी बी रेज जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन बर्न के, आपकी जो स्किन काली हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, ये यूवी बी के अगेंस्ट होती है, ठीक है, उसकी वजह से स्टोरी होती है। अभी एसपीएफ जो है वो यूवी बी को कंट्रोल करेगा, और जो एसपीएफ के अलावा जो दूसरा पी ए प्लस प्लस है या स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो जो है वो यूवी ए रेज को, उनको जो है वो उसके अगेंस्ट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। एसपीएफ का भी आपको पता चल गया। अब कुछ ऐसा होता है पी ए प्लस प्लस उसके ऊपर, यानी कि दो लिखे होंगे, प्लस दो दफा होगा। जैसे मेरे पास जो ये है, मैं भी आपको इसका भी आपको बता देती हूँ कौन सा, ये देखें पी ए, इसके ऊपर ना 3 times प्लस है यार, हो जा आज ही हो जा फोकस। ये देखें इसके ऊपर ना 3 पी ए के आगे 3 times प्लस प्लस है, इसका मतलब है कि ये जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है ये आएगी इसकी बेस्ट प्रोटेक्शन में। कुछ ऐसे होते हैं जो जिसके ऊपर लिखा होता है पी ए प्लस प्लस 2 times प्लस होता है, वो मॉडरेट प्रोटेक्शन होती है उनकी, ठीक है। आपको जो बेहतर लगता है आप ले लो, बजट के हिसाब से लो, इसके अलावा आप जनाब जो भी आपने लेना आप ले लो, बस इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखो कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इसको करती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास 4 हैं जो मेरे बेस्ट हैं और मेरे फेवरेट हैं सनब्लॉक्स। जो सबसे पहले जो है ये है न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनस्क्रीन अगेन वही जो एब्जॉर्ब करेगी एसपीएफ 45 ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके ऊपर कोई पी ए प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसकी जगह पे उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेंशन कर दिया। एसपीएफ 45 है, इट मींस कि ये 45 टाइम्स जो है मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट UVB rays, क्योंकि SPF जो है वो UVB rays को जो है उसके responsible होता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रोजीना का ये है, एक तो ये fast absorbing है, दूसरा light weight है, clean feel है, water resistant है, आप फेस पे लगाते हो कोई चिपचिप फीलिंग नहीं होती, फेस पे लगाते हो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। सन ब्लॉक जो होते हैं वो हमेशा वाइट कास्ट छोड़ते हैं, जो होते हैं ना सनस्क्रीन वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ते। मैं आपको इसका थोड़ा सा ये भी निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखें ये इस तरह से होगा और ये आपको जो वाइट वाइट आपको ये नज़र आ रहा है ये आप जब एब्जॉर्ब करोगे इसको, देखो ब्लेंड किया आपने स्किन के ऊपर लगा दिया और तकरीबन विद इन सेकेंड्स ये बिल्कुल अपना जो वाइट कास्ट है वो ख़त्म कर देगा। कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, वो ऑब्वियसली वो वाइट सा होता है तो वो बाद में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने लगाया, कोई वाइट कास्ट नहीं इसने छोड़ी, कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल ब्लेंड हो गया, अच्छे से कोई पता नहीं चल रहा, कोई चिपचिप फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं। इसके ऊपर मेकअप करो ऐसे जाना तो ऐसे जाओ। सेकेंड है जनाब मेरे पास वो है यूवी मैट सनस्क्रीन मेडिकेटेड है ये, ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ 60, ठीक है। इसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ था और ये एसपीएफ 60 है।
ठीक है बाबर, मेरा ख्याल बताने की आपको शायद ज़रूरत नहीं है, आइडिया हो जाएगा आपको इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी में, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी कुछ जो है वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन इतनी नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर जब कुछ लगाते हो, इसकी वाइट कास्ट ऐसी नहीं है, ये देखिए, वो भी थोड़ी सी देर के लिए छोड़ता है, जैसे न्यूट्रोजीना का था। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये ऐसे ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल स्किन के साथ आप पता ही नहीं चलता कि आपने सनब्लॉक भी लगाया हुआ है, कुछ नहीं। स्मेल बहुत लाइट सी है, ना होने की बराबर है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप ये भी परचेज कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए बेस्ट है, ये चारों जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ये गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्पेक्ट्रा मैट। ठीक है, ये भी मेडिकेटेड है, और ये है सीबम कंट्रोल SPF 40 PA++++, 3 दफ़ाएँ इसके। ठीक है, फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्नी प्रोन एंड नॉर्मल स्किन। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉन कोमोडोजेनिक, वाटर रेजिस्टेंट, हाइपोलरजेनिक और पैराबेन फ्री, परफ्यूम फ्री, नॉन ग्रीसी, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मेडिकेटेड है अगेन, और ये जेनफॉर्म कंपनी जो है ना उनका है, और इसका मैं आपको बता दूँ, ये पता है किस तरह का है, ये बिल्कुल है जनाब प्राइमर की तरह का, कोई भी प्राइमर आप यूज़ करते हो। ठीक है, और ये आपका बेसिकली 2-in-1 पर्पज़ आपके पूरे करेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइमर की जब आप लगाते हो, प्राइमर लगाने के बाद जो फीलिंग आती है पोर्स को, वो वो थोड़ा सा कम विजिबल करता है, और जो एकदम से स्मूथ सी फीलिंग आती है वो इसकी साथ आएगी। ठीक है, आपको ये साथ साथ आपको प्राइमर का काम भी करेगा और साथ साथ आपके जनाब सन प्रोटेक्शन का काम भी करेगा, और अगेन बहुत ज़बरदस्त है। और सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक है, ये सन ब्लॉक कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ये भी कोई भी कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको अभी सन ब्लॉक दिखाया है ना, ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। ठीक है, इसके ऊपर तो मेंशन भी हुआ है फॉर ऑयली स्किन और फलाना 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 फलाना। ठीक है, फिर आ जाता है सन ब्लॉक क्रीम SPF 80, और जनाब इसके ऊपर, अच्छा देखें, इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सन ब्लॉक SPF 80, कहीं पे भी उन्होंने PA++++ नहीं लिखा हुआ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई है जिससे आपको आइडिया हो गया, वो है यहाँ पे, ये देखें, UVA और UVB। उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने PA++++ का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, सुपीरियर सन केयर फ्रॉम UVA एंड UVB रेज, उन्होंने डायरेक्टली क्लियरली मेंशन कर दिया कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए, UVA और UVB रेज के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना, ये क्रीमी फॉर्म में है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रही थी कि जो सन ब्लॉक होते हैं वो होते ही क्रीमी फॉर्म में है, थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं, और जब आप लगाते हो फेस पे तो आपको पता चलता है कि आपने लगाया होगा, कहीं कहीं पे जम भी जाते हैं, लेकिन ये उतना नहीं जमता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखें, ये थोड़ा सा इस तरह से है, वाइट कास्ट अपनी छोड़ेगा, और ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ब्लेंड हो जाता है, स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देता है, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई चिपचिप फीलिंग नहीं आती। आप ये चारों जो है इनमें से कोई भी एक परचेज कर सकते हो, और इन गर्मियों में मैं कहती हूँ दुआएं दोगे आप मुझे, सीरियसली, कोई स्वेटिंग नहीं होती इनको यूज़ करने के बाद, जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है स्पेशली जब आप यूज़ करते हो सन ब्लॉक, और कोई स्किन बर्न नहीं होगी, कोई UVA UVB इन सबसे बस बचे रहोगे आप लोग, एक दफ़ा यूज़ करो, बहुत ज़बरदस्त हैं। इन सबको जो है ना जनाब, ये ऑनलाइन अवेलेबल है सभी, ये मैंने फार्मेसी से परचेज किया था, क्लिनिक्स नहीं, आई गेस क्लिनिक से मिल जाएगा, मैंने एक्चुअली ये लिया था चुगताई से, और ये मिल जाएगा आपको, ये है Umbrella 80। ठीक है, इसका नाम मैं बताना भूल गई, Umbrella 80, और ये जो है स्पेक्ट्रा मैट। ठीक है, ऑयली स्किन, दिस इज न्यूट्रीजीना एंड दिस इज यूवी मैट। ठीक है, ये सारे आपको अवेलेबल होंगे, किसी भी फार्मेसी पे आप जाओ आपको मिल जाएंगे इजीली, ये तीनों तो हैं भी वही मेडिकेटेड हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगे, न्यूट्रोजिना भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, सेम जो कि गर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मस्ट हैव असेंशियल्स फॉर समर, वो आप, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लाजमी उसको जाके चेक कर लो, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो लाजमी परचेज करनी चाहिए, लाजमी उनको अपनी स्किन केयर में लेकर अपनी स्किन को अच्छा बनाएं। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे लाजमी बताइएगा, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।